अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया भर में अफराद को बहुत ज़्यादा पसंद होती है एक ही चीज़, और उसका नाम है मैजिक। आप किसी भी शोभा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, जादू आपको हमेशा ही फैसिनेट करता है। लेकिन आम रूटीन में बहुत सारे अफराद का ये मानना है कि ये मैटर नहीं करता कि जादू कौन कर रहा है, बल्कि ये मैटर करता है कि वो कर क्या रहा है। इसी असना में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के ट्रिक्स जो कि मैजिशियन अपने हाथ की सफाई के साथ करते हैं, और आप लोग फौरी तौर पर हैरान रह जाते हैं कि ये इसने कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं इनको एक्सपोज करना। स्वेलविंग फ्रॉग। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मैजिशियन है जिसका नाम है डेविड प्लेन। डेविड प्लेन ने अक्सर औकात इस तरह के मैजिक किए हैं कि दुनिया भर के लोग हैरान रह गए कि आखिर कोई शख्स इतने कमाल के मैजिक कैसे कर सकता है। दोस्तों, इन्होंने एक मैजिक तो ऐसा किया जो कि मारूफ कॉमेडियन जिमी फैलन के शो पे किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी। डेव शैपेल जो कि एक बड़े मारूफ कॉमेडियन है, वो भी मौजूद थे। ड्रेक एक म्यूजिशियन भी और बास्केटबॉल प्लेयर भी। हुआ कुछ यूं कि इन्होंने जिमी फैलन को बताया कि उनके मैदे को एक तालाब के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और वो इसकी एक लाइव मिसाल भी दे सकते हैं। जब जिमी फैलन ने उनसे लाइव मिसाल के लिए डिमांड की, तो उन्होंने एक वाइन के गिलास के अंदर एक जीता जागता फ्रॉग स्पिट आउट कर दिया। ये जीता जागता फ्रॉग जब स्पिट आउट किया गया, तो जिमी फैलन ने बहुत ही कमाल का रिएक्शन दिखाया। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये इल्यूजन है या डिसेप्शन है, लिहाजा उन्होंने इसे स्टडी करना शुरू किया। और अच्छे खासे मुताले और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि डेविड प्लेन ने वाकई ये फ्रॉग अपने खुराक की नाली के अंदर फंसा के रखे हुए थे, और ये साला साल की मेहनत मांगते हैं, और बाद में ये इन्हीं फ्रॉग्स को निकाल के दोबारा निगल भी लेते हैं। वॉकिंग टू द वॉल। डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसा आदमी है जिसका नाम मैजिक की दुनिया में अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये सिंपली अमेजिंग आदमी है। डेविड कॉपरफील्ड ने हमेशा बहुत बड़े बड़े आलमी वर्षों के ऊपर जादू किए हैं, यानी उनको यूं कहिए कि उन्हें ऑब्सेशन है कि वो ऐसी जगहों पर जाकर जादू करे जो कि तारीखी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ऐसा ही एक मैजिक किया वॉल ऑफ चाइना के अंदर। इसमें वो दीवार के दोनों अतराफ से एक ही वक्त में बाहर निकले। अब कोई शख्स दीवार के अंदर से चलकर कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, जब इसके ऊपर तहकीक की गई तो पता चला कि जब डेविड कॉपरफील्ड एक साइड से एंटर होने लगते हैं, तो बेसिकली जिस भूत के अंदर वो खड़े थे, वो भूत वाइट कलर के क्लॉथ के साथ मिमिक किया गया है, और वो इसके फर्श के अंदर निकल जाते हैं, और उनका एक असिस्टेंट उनकी मूवमेंट को इमिटेट करता है। जब वो एक तरफ से फ्लोर के जरिए नीचे निकलते हैं, तो दीवार के अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराखों के जरिए वो दूसरी साइड से बाहर निकल आते हैं, और दूसरी साइड पे मौजूद जो भूत है उसके अंदर भी एक और शख्स मौजूद होता है जो इनकी मूवमेंट को इमिटेट करता है। इस तरीके से कि आपको यूं महसूस होता है कि जैसे कोई दीवार से निकलने की कोशिश कर रहा है और दीवार से बाहर आ गया है। दोस्तों, दिखने में जितना ये अमेजिंग लगता है कैमरा कंट्रोलिंग की वजह से, उतना ही ये शानदार भी है, और इसको तारीखी एतबार से यूँ कहा जाए कि कैमरे की कमाल की सफाई है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कॉइन्स ऑन द टेबल। दोस्तों, सिक्कों के साथ जादू बहुत सारे लोग करते हैं। पेन एंड ट्वेलर नामी ये दो मैजिशियन जिनका जोड़ा पूरे एशिया के अंदर मशहूर है, इन दोनों के शो पर एक लड़का आया जो कि कॉइन के जरिए अपना एक मैजिक दिखाना चाह रहा था कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर कॉइन कैसे ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रिक में एक गिलास की सरफेस ली जाती है, और इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे कॉइन रखे जाते हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और बंदा हैरान रह जाता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इस ट्रिक में इन सिक्कों को एक साइड से मैग्नेट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और पहले से ही इन सिक्कों की तीन कॉपीज इस शीशे के नीचे मौजूद होती हैं, एग्जैक्टली उसी प्लेसमेंट के अंदर जिस प्लेसमेंट में ये ऊपर मौजूद है। अब वो बंदा जैसे ही मैग्नेट उठाता है, तो ऊपर वाला कॉइन उस मैग्नेट के साथ चिपक जाता है और नीचे वाला उसके हाथ में आ जाता है। इन दो बड़े मैजिशियन के सामने जब ये लड़का ये ट्रिक परफॉर्म कर रहा था, तो इनको भी नहीं पता चला कि इसने ये कैसे किया, और उन्होंने ये एडमिट किया कि इस ट्रिक का इससे बेहतर वर्जन उन्होंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, आपको ये मैजिक ट्रिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मुझे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा के आगे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।